हेलो हाय एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम करती हूँ आप सबका दिशु की दुनिया पर। तो थोड़े टाइम पहले मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है एक ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, और जो कि थी ये LH सीरम करके एक ब्लड टेस्ट होता है जो कि हम कंसीव करने के लिए अगर ट्राई कर रहे होते हैं तो डॉक्टर हमें एडवाइस करता है। और ये रिपोर्ट जब मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करी तो मुझे थोड़े बहुत कमेंट आए थे कि मैम प्लीज़ आप शेयर करें, जब हम कंसीव करना चाहते हैं फर्स्ट टाइम जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें क्या क्या एडवाइस करता है, कौन कौन सी मेडिसिन देता है और कौन कौन से हमें ब्लड टेस्ट कराने होते हैं और भी। तो आज मैं फाइनली आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। ये है मेरा प्रिस्क्रिप्शन पेज जो कि डॉक्टर का है, और ये मेरी फर्स्ट डॉक्टर नहीं थी। हाँ, इससे पहले भी मैंने डॉक्टर को दिखाया है और 1 ईयर के आसपास मैंने मेडिसिंस खाई हैं अलग अदर डॉक्टर के पास से। तो चलिए देखते हैं इस डॉक्टर का मेरा कैसा एक्सपीरियंस था। तो फर्स्टली मैं बताऊँ तो ये मेरा इन डॉक्टर के साथ में फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो यहाँ पे देखिए और डेट मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, जो कि है 6/11/2017 2017 की ये बात है जब मैं फर्स्ट टाइम इन डॉक्टर के पास गई थी। इससे पहले मैंने और डॉक्टर्स के साथ भी अपना ट्रीटमेंट लिया है, तो सब कुछ लिखा हुआ होता है। ऊपर मैं नहीं दिखा सकती बिकॉज एड्रेस वगैरह है। तो यहाँ पे देखिए मेरा रियल है, सुनीता मेरा नेम है, जैसे कि आपको पता है 25 ईयर्स की थी मैं तब, और बीपी उस टाइम पे मेरा था, क्योंकि वो सारी चीज़ें देखते हैं आपका वेट बीपी सब कुछ देखते हैं। तो यहाँ पे मेरा बीपी था 110 और वेट था मेरा 61 kg। और यहाँ पे देखिए इरेगुलर पीरियड्स थे मेरे, क्योंकि बिल्कुल भी रेगुलर नहीं थे, और 1.5 ईयर्स से मेरे इरेगुलर पीरियड्स ही चल रहे थे। शादी के थोड़े टाइम के बाद ही मेरे पीरियड्स इरेगुलर हो गए थे, एंड मेरे 3 to 4 times मिसकैरेजेस हो चुके थे, और जो कि 2-3 months के आसपास होते थे, कोई 1.5 महीने का होता था, कोई 3 महीने का होता था। इस टाइम से मैंने उस टाइम पे डॉक्टर को फटाफट से, क्योंकि डॉक्टर पूछती है तो फटाफट से मैंने बता दिया था कि 2-3 months के ऐसे ही कुछ थे, मतलब 1.5-2 महीने के, उनको क्या क्लियरली बताओ। तो मैंने, मेरे मुंह से निकला कि 2-3 महीने के ही थे ऐसे ही। और शादी को मैरिज टाइम मेरा 3 years था, क्योंकि मेरे जनवरी में 3 साल होने वाले थे। LMP जो उस टाइम पे थी मेरी, वो जो कि थी 29/2017, और आप लोग देख सकते हैं डॉक्टर के पास मैं गई थी 11 में, मतलब नवंबर में लास्ट मेरी LMP थी, सितंबर में, और 11 नवंबर में मैं गई थी। फिर भी मेरे इरेगुलर पीरियड्स ही थे उस टाइम पे, और जो मेरा यूरिन टेस्ट था वो नेगेटिव था, बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं था। तो यहाँ पे मेरे कुछ टेस्ट डॉक्टर ने बोले थे, तो जो कि थे CBC था जो कि नॉर्मल होता ही है, CBC तो नॉर्मल ही होता है, TSH था, और एक टेस्ट होता है प्रोलैक्टिन सीरम करके टेस्ट होता है, FSH था, LH था। तो ये कुछ मेरे ब्लड टेस्ट थे। उस टाइम पे यूरिन टेस्ट नहीं कराया था बिकॉज यूरिन टेस्ट नॉर्मली नेगेटिव था, क्योंकि मैं करके गई थी घर से ही, तो यूरिन टेस्ट मेरा नहीं कराया था। अदरवाइज फिर डॉक्टर यूरिन टेस्ट भी करवाती है और आपका एक अल्ट्रासाउंड भी कराती हैं, एंड अल्ट्रासाउंड मेरे पास मतलब पहले के डॉक्टर्स के थे, तो डॉक्टर ने फिर वही अल्ट्रासाउंड देखे थे, मेरा अल्ट्रासाउंड नहीं कराया था। बट हाँ, उसके बाद भी डॉक्टर ने ये सारी रिपोर्ट्स देखने के बाद में मेरा दोबारा से TVS अल्ट्रासाउंड कराया था, जो कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ वो भी जाकर ज़रूर देखिएगा। थोड़े टाइम बाद मेरा TVS भी हुआ था, तो वो भी देखिएगा। और इससे नीचे नहीं जाते क्योंकि ये फिर मेरा बाद का था, 18/11 के आसपास मैं दोबारा गई थी डॉक्टर के पास में, तो ये तब का था, तब की बात हम बाद में करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कौन सी मेडिसिंस थी। तो फर्स्ट टैबलेट थी मेरे पास मैप्रेट टैबलेट आती है, जो कि होती है 10 mg की, जो मुझे 5 दिन लेनी थी। और एक टैबलेट आती है ओवालाइफ मेट करके टैबलेट आती है, जो कि मुझे सुबह शाम लेनी थी। और ये सारे मेरे टेस्ट हुए थे, इनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं, और ये रिपोर्ट्स मैं आप लोगों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी बिकॉज़ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और इसके आगे की भी पूरी स्टोरी है अगर आप लोग जानना चाहते हो। एंड एक और चीज़, मुझे PCOS भी है, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज सिंड्रोम, कुछ भी बोल लीजिए आप लोग, तो PCOS की प्रॉब्लम भी है मुझे।
तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की स्टोरी लेकर 1811 को एंड इसके बाद की भी। तो कंप्लीट मेरे पास पूरे ट्रीटमेंट की कॉपी है, तो अगर आप लोग आगे की स्टोरी जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। डू शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय बाय गाइज़।